तो भाई आज बना रहे हैं हम एक बहुत ही मज़ेदार रेसिपी, मॉनसून रेसिपी है, बहुत ही क्रिस्पी तीखी मीठी कमल ककड़ी की रेसिपी बना रहे हैं। हनी चिली लोटस रूट, जो आपको इतनी पसंद आएगी ना कि आप इसे रोज़ बनाना चाहेंगे। तो देरी किस बात की, चलिए बनाना शुरू करते हैं। तो सबसे पहले तो कमल ककड़ी को पानी के साथ साफ कर देना है, इसके ऊपर की पूरी मट्टी निकाल देनी है और फिर इसे पीलर के साथ पील करना है, जैसे आलू छीलते हैं ना, बस वैसे ही करना है। और अब इसे स्लाइस कर रहे हैं बहुत ही पतले फाइन पीसेस में। देखेंगे आप, इतना पतला होना चाहिए, जितना अच्छी तरह से आप पतला काटेंगे उतना ही आपको इसे खाने में मजा आएगा। और काटते वक्त इसको जरा स्लांटिंग तरीके से कट करिएगा। तो काटने के बाद इसमें अगर कोई मट्टी वगैरह है ना तो उसे जरूर निकाल दीजिएगा, टूथपिक के साथ आप बड़ी आसानी से कर पाएंगे। और अभी नहीं करेंगे बॉईल। तो एक पतीले में पानी डाल दिया है, उसमें डाला है नमक और डाल रहे हैं ऑयल, ये दोनों चीजें जरूर डालिएगा। और इसमें बॉईल आने के बाद इसमें डाल रहे हैं थोड़ा सा दूध। इसके साथ आपकी कमल ककड़ी अच्छी तरह से साफ भी हो जाएगी और स्वाद भी बड़ा अच्छा आएगा। और दूध डालने के बाद इसमें डाल दे रहे हैं सब कमल ककड़ी के पीसेस। बस इन्हें 3 से 4 मिनट तक बॉईल करना है, ये हल्के से सॉफ्ट हो जाएंगे और उसके बाद इन्हें निकाल देना है। बॉईल की हुई कमल ककड़ी को निकालने के बाद पहले तो इसे पेपर पे रख के ड्राई कर दे रहे हैं, क्योंकि हम इन्हें फ्राई करने वाले हैं इसलिए इनमें पानी नहीं होना चाहिए, नहीं तो काफ़ी छींटे पड़ेंगे फ्राई करते वक्त। तो पेपर के साथ या किसी कपड़े के साथ अच्छी तरह से ड्राई कर लीजिएगा। और अब इन सबको करना है डीप फ्राई। इसके लिए कढ़ाई में डाल दिया है ऑयल गर्म करने के लिए, गर्म होने के बाद ही फ्राई करिएगा। सब एक साथ डाल सकते हैं आप, मीडियम से ऊंची आंच पर फ्राई करिएगा, इनके गोल्डन ब्राउन होने तक इन्हें फ्राई करिएगा। 4 से 5 मिनट लगेंगे आपको। तो ये फ्राई हो चुके हैं, ये इस वक्त इतने क्रिस्पी और स्वादिष्ट है ना कि अगर आप इस पे सिर्फ नमक छिड़क के भी खाएंगे ना, आपको ये बहुत स्वादिष्ट लगेंगे। तो बस इसको रख दिया अलग से और करते हैं लास्ट स्टेप। और अब एक बाउल में ले रहे हैं कॉर्नफ्लोर और उसमें डाल रहे हैं थोड़ा सा पानी। तो ये कॉर्नफ्लोर है बस सिर्फ 1 टेबलस्पून और उसमें पानी डाला है हमने करीबन 4 टेबलस्पून। बस इसे मिक्स कर देना है, लम्स नहीं होने चाहिए, लम्स निकाल देने हैं। और अब डाल रहे हैं इसमें पहले थोड़ा सा नमक और आधे नींबू का जूस। नींबू के जूस के बजाय काफ़ी लोग इसमें विनेगर भी डालते हैं। और अब डाल रहे हैं इसमें हनी। बस ये मिक्स कर दिया और रख दिया अलग से। और अब उसी कढ़ाई में थोड़े से ऑयल में डाल रहे हैं लहसुन और अदरक जिसे हमने कद्दूकस किया हुआ है, और डाल रहे हैं इसमें हरी मिर्ची, साथ ही जूलियंस में कटी हुई अदरक। बस इसे चटकने देना है आधे से 1 मिनट तक। और जैसे ही हल्के से पिंक हो जाते हैं इसमें डाल दे रहे हैं हमारा कॉर्नफ्लोर का मिक्सचर और इसे घुमाते रहना है। आप देखेंगे इमीडिएटली ये थिक हो जाएगा। और बस 1 मिनट के अंदर ही डाल देने हैं इसमें सब के सब कमल ककड़ी के पीसेस और इन्हें मिक्स कर देना है। बस इसे प्लेट में अब निकाल दे रहे हैं और गार्निश कर रहे हैं ग्रीन ओनियंस के ग्रीन्स के साथ, और थोड़ी सी अदरक और मिर्ची भी कटी हुई डाल दे रहे हैं इसे और तीखा बनाने के लिए, और ऊपर से थोड़ी सी और हनी स्प्रेड आउट कर दे रहे हैं इसके एनहेंस स्वाद के लिए। और अब सबसे एंड में स्प्रिंकल कर रहे हैं सफ़ेद तिल। तो ये हमारी हनी चिली लोटस रूट की रेसिपी हो चुकी है रेडी, बहुत स्वादिष्ट लग रही है ना, जरूर ट्राई करिएगा। हमें कमेंट्स में लिखकर बताइएगा कि आपकी रेसिपी कैसी बनी। और अगर आपको हमारी रेसिपी अच्छी लगे तो इस वीडियो को लाइक और शेयर करना बिल्कुल ही ना भूलेगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग।